तो यार डिनर करने के बाद जो है वो हम श्राइन की तरफ चले गए, क्योंकि टाइम काफ़ी शॉर्ट था, तो वहाँ पर जो है वो ऑलरेडी काफ़ी रश था, तो इसलिए हम जल्दी चले गए थे। तो वहाँ पर जाकर मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि क्या सीन था। अरे ये सारी जो आवाम है ये यहाँ पे न्यू ईयर की सेलिब्रेशन करने के लिए आई हुई है, और हम भी यहाँ पर जो है वो मेरा पहला एक्सपीरियंस है, तो लेट्स सी कि कैसे होता है। यहाँ पर आवाम जो है वो जा रही है, तो स्टे ट्यून, ऊपर जाके जो है वो देखते हैं। हम बेसिकली निको में आए हैं, श्राइन में, तो लेट्स सी कि यहाँ पर जो है वो नए साल को किस टाइप से ये मनाते हैं, तो स्टे ट्यून। अच्छा, तो यार यहाँ पर आके हमें पता चला माहौल तो यहाँ पे, हम लोग जो हैं वो अजीब लोग हैं जो हम अंदर बैठे हुए थे गाड़ी के अंदर, और यहाँ पर सारा माहौल है। तो तुम लोग देखो, इन्होंने वहाँ पे फुली जो है वो अपने लगाए हुए हैं स्टॉल्स वगैरह, और ये हमारे लौंडे लपाड़े जो हैं साथ में घूम रहे हैं, और ये इन लोगों ने जो है वो करें, और हम ऐसे साई आ रहे थे चवल कि हम गाड़ी में बैठे थे। अजीब लोग हैं, अजीब लोग। वो कह रहे हैं इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते होते, लेकिन इनको कौन बताया कि इसी तरह के अल्फाज जो हैं वो अच्छे होते हैं। ये यहाँ पर कोई सीन है, ये बड़ा श्राइन है इनका, और पता नहीं मुझे नज़र आ रहा हो तुम लोगों को नहीं, लेकिन केलों के जो है वो ऊपर वो चॉकलेट वगैरह की वो डाल रहे हो, वो कर रहे हैं। तो इसी तरह जो है ये आगे फुल इनका अपना जापानियों का जो है ना वो बारबेक्यू चल रहा है, और बड़े मज़े मज़े के जो हैं वो खाने तैयार कर रहे हैं। आई थिंक ये नूडल्स हैं और इस टाइप की, बट यार ये अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं खा सकते, क्योंकि डेफिनेटली इसमें खाने पीने का जो है वो इशू आता है। अभी ये कुछ अंडे के साथ कुछ कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये डम्पलिंग्स जो हैं ये बना रहे हैं, और काफ़ी सही है, यहाँ नए नए खानों की जो है वो लगी हुई है, और अगेन यहाँ पर जो है वो भी स्पेशल जो है वो स्ट्रीट फूड के लिए लगे हैं, काफ़ी अच्छा है। हम लोग जो है वो उधर बाहर बैठे हुए थे, हम लोगों को पता ही नहीं था यहाँ पर अंदर कुछ चल रहा है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सीन है, और काफ़ी जो है वो ये लोग स्ट्रीट फूड लगा के बैठे हैं अपना। अभी यहाँ पे कोई शवारमा टाइप लग रहा है, आई डोंट नो, तो अभी आई डोंट नो अभी इस फूड को कहते क्या हैं, बट शवारमा है, इसमें ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्पाइसेस जो है इन्होंने लिखी हुई हैं, हॉट, मिक्स और माइल्ड, और ओरिजिनल भी, स्पेशली जो है टर्किश शवारमा था, आई थिंक ये तुर्की ही है। हाँ, ऊपर जो है ना तुर्की का फ्लैग लगा हुआ था, आई थिंक ये टर्किश शवारमा ही है, और मिक्स इंजॉय। तो इस तरह जो है वो और भी आगे भी जो है वो हमारे पास जैपनीज फूड है, मुझे नहीं पता अभी ये क्या है, बहरहाल जो भी है वो अच्छा। तो ओवरऑल जो है एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो नज़र आ रहा है, और आई थिंक कि एक अच्छी न्यू ईयर की सेलिब्रेशन हो जाएगी, इतनी एक्सपेक्ट नहीं की थी हमने, लेकिन अच्छा हो रहा है। अब यहाँ पे आई थिंक कोई प्रिपरेशंस कर रहे हैं ये फॉर न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के लिए, और ये इनका जो मेन श्राइन है वो ओपन है, और इसमें जो है वो यहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी भी आई हुई है, और काफ़ी पुलिस वगैरह भी आई हुई है, तो आई थिंक इट्स गोना बी अ ह्यूज फन फॉर मी, बिकॉज़ दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट टाइम मैं कोई श्राइन को जो है वो चेक कर रहा हूँ, और स्पेशली ऑन द न्यू ईयर नाइट, तो चेक करेंगे। अभी यहाँ पर स्टिल जो है एक घंटा जो है वो रहता है, उसमें जो है वो एक घंटा रहता है, तो लेट्स सी कि यहाँ पर जो है न्यू ईयर सेलिब्रेशन वो कैसी होती है। तो ये भाई हमारे साथ जो है वो आए हुए हैं पाकिस्तानी नेबाज, और ये डॉक्टर्स हैं, मैं भी टू बी डॉक्टर हूँ, और ये ऑलरेडी सारे डॉक्टर्स हैं, यहाँ पर लाइन लगा रहे हैं अपने एटिकेट्स को जो है वो जापानी फुल टाइम जो है वो फॉलो करते हुए,
और यहाँ पर जो लाइन लगेगी, अब यहाँ पर जो है ना बारी बारी आई थिंक जाकर वहाँ पे एक घंटा होता है इनका, तो उस घंटे को जो है वो दबाते हैं। तो ये इनका जो है वो एक, जिसको कहते हैं हम एक इनका कल्चरल या जो भी इनका कह लो आप, वो इनका तरीकाकार होता है। और यहाँ पर आके जो है वो इस तरह ये सारे लाइंस में लगे हुए हैं और इन्होंने बारी बारी जाना है अंदर जाके अपने श्राइन में, घंटा जो है वो दबाएं। तो लेट्स सी कि क्या हिसाब किताब करते हैं। तो मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है और सब जो है वो यहाँ पर जाने, देखो बच्चा बच्चा भी जो है यहाँ पे जा रहा है, तो अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है मुझे। ये हमारे भाई जो हैं वो साथ में आए हैं, यहाँ पे आई थिंक वो बोन फायर वगैरह का कोई सीन होगा, तो अभी चेक करेंगे कि क्या सीन होता है। यहाँ पर इनके आपको मौलवी वगैरह भी नज़र आते हैं इनके मौलवी थोड़े से जो है डिफरेंट होते हैं कपड़ों के हिसाब से, और यहाँ पर बीच में सिक्योरिटी भी काफ़ी जो है वो घूम रही है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है सो फार, और एक न्यू एक्सपीरियंस है तो हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो ये इनका जो बेसिकली रिलीजन है वो शिंतो रिलीजन है, तो इसके हिसाब से ये अपनी जो है ना वो अकॉर्डिंगली करते हैं। अभी भी जो है ना आधा घंटा रहता है, तो लेट्स सी कि क्या हिसाब किताब होता है। इस गेट के बारे में, यहाँ पे ये जो इनका मेन गेट है, यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है कि भाई ये क्या चीज़ है। तो बेसिकली ये 17th century की अर्ली में, यानी कि 17वीं सदी का बना हुआ है भाई, और ये ओरिजिनली मेन गेट होता था प्राइवेट क्वार्टर्स का, एक टेंपल था इनका टोक्यो में। तो ये जो आप गेट देख रहे हो इस टाइम, इस 17th century का गेट है ओवरऑल, तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बेहतर लग रहा है, मेरे लिए भी काफ़ी न्यू चीज़ है। और ये हाँ यार, ये पूरी लाइन जो है वो लगी हुई है और ये सारी लाइन जो लगी हुई है इस वजह से लगी हुई है कि अभी इन लोगों ने जो है वो यहाँ पर चेक करना है, और यहाँ पर जो है वो ये चेक करेंगे, अपनी दुआएं शुआएँ करेंगे, और इस दुआएं शुआएँ करने के बाद तो बहुत लंबी लाइन है यार, मतलब वो आखिर तक लाइन है, और वो उन्होंने स्टार्ट में उधर तक जाना है। तो खाना पीना करने के साथ साथ जो है ये साथ में वो करेंगे, इसके बाद जो है ना इन लोगों ने जो है ना वो सनराइज़ देखना होता है, इनका तरीकाकार होता है। तो बारह ये सारा सीन है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो भाई काउंटडाउन जो है वो अभी स्टार्ट हो रहा है, और लाइन जो है वो खुल गई है। अभी हो क्या रहा है मुझे नहीं पता भाई, हमें तो पता काउंटडाउन होगा, आई डोंट नो ये क्या हो रहा है। वो वहाँ से उसने ड्रम बीट खोला, अरे क्या तो टाइम आज हैप्पी न्यू ईयर भाई, हमें काउंट डाउन के पीछे लगा के तो खुश रह गया, तो नया साल मुबारक हो। तो ये जो तो कह रहे हैं हाँ यार क्यों मस्त हो गया, क्यों मस्त हो गया, क्यों मस्त हो गया, क्यों मस्त हो आगे मस्ते गुजाय मास, आगे मस्ते क्यों कह रहे थे, आगे मस्ते क्यों कह रहे थे, वो कह रहे आगे मस्ते, आगे मस्ते लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे नया साल हो गया है तो हैप्पी न्यू ईयर, और अब आस्ते आस्ते जो है हम पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। बार आगे मस्ते गुजराय मस्त जो है वो हो गया है, और आवाम जो है वो फुल तौर पर मना रही है। तो जापान क्योंकि एक बहुत ही यूनिक कल्चर है, तो यहाँ पर वो ऐसे फायरवर्क्स और जो यहाँ का जो नॉर्मल लाइफ का जो ट्रेडिशन होता है कि फायरवर्क होगा, काउंटडाउन होगा, यहाँ पे हम लोगों को जो है वो देखने को नहीं मिला,
और यहाँ पर जो है वो आगे मस्ते गुजारमस करके जो है ना इन्होंने सिंपली न्यू ईयर जो है ना वो कर दिया और ड्रम बीट किया और देन जो है वो इनका नया साल जो है स्टार्ट हो गया। अभी एक दूसरे को मुबारक दे रहे हैं और ये जनाब सारे जो है वो लगे हैं आगे आगे मस्ते गुजारमस आगे आगे मस्ते आवा हो वही कम से कम एक किलोमीटर की तो यार ये लाइन हो गई है और ये मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ ऊपर ड्रम बीट हो रहे हैं और ये क्या इनके कोई दुआ करने का तरीका है जिसमें ये इस तरह दबाते हैं और यहाँ पर इन्होंने ऊपर बॉन फायर लगाई है आग लगाई है तो डेफिनेटली हर रिलीजन का एक अपना वो होता है तो वी शुड रिस्पेक्ट तो ये इनका जो है ना वो प्रेइंग स्टाइल है तो सही सही है ये मतलब मना रहे हैं और क्योंकि जो है वो इनका वो ज़्यादा उतना होता नहीं है तो ये देखो तुम यहाँ पर ये अगेंस्ट जो है उस तरह जो है बीट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो सारा मना रहे हैं अपना जिनका डे होता है और इसके अलावा जो है यहाँ पर बहुत आवाम आई हुई है और काफ़ी जो है वो अच्छा लग रहा है और सही है देखा ये बार बार दिखाई इसको इस तरह कर रहे हैं कि इट्स अ वेरी गुड गेस्ट तो अभी जो है वो हम ऊपर जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर भी जो है वो इतनी लंबी इस टाइम पे लाइन लगी हुई है और कुछ लोग जो हैं वो फ्री हो के वापस आ रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो अभी लाइन में ही लगे हैं तो यहाँ पर ये भाई साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि ये मतलब यहाँ पर जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं जो इस मंदिर पर इस श्राइन पर तो इसके बारे में जो है ना ये थोड़ा सा बता रहे हैं कि भाई अगर तुम ये करोगे तो इसका ऐसा होगा अगले साल तुम्हारा खुश रहोगे या ऐसे रहोगे जैसे भी रहोगे तो हर किसी का जो है अपना होता है तो हम लोग जो हैं वो इसको रिस्पेक्ट ही देते हैं और देनी भी चाहिए हर रिलीजन का एक अपना तरीकाकार होता है तो आई बीइंग अ मुस्लिम हमें जो है वो प्रॉपरली हर रिलीजन को जो है वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए तो ये मेरे लिए काफ़ी न्यू एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं यहाँ पे ज़िंदगी में लाइफ टाइम मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं किसी शिंतो टेंपल में यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर इनके जो प्रोसीडिंग्स हैं जैसे ये करते होते हैं बातें वगैरह वो देख रहा हूँ मैं और वो भी स्पेशली न्यू ईयर की नाइट पे तो काफ़ी अच्छा मेरा जॉयफुल एक्सपीरियंस था ये भाई हमें काफ़ी ठंड हो रही है और मैं जो है वो यहाँ पर काफ़ी इस टाइम फ्रीजिंग टेम्परेचर है -2 चल रहा है और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं एक अच्छी तरह जो है वो वीडियो बना के तुम लोगों को दिखा सकूं तो यहाँ मैंने काफ़ी दिखाया और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना और हैप्पी न्यू ईयर और बस सब्सक्राइब करो और मज़े करो उम्मीद करता हूँ और मेरी दुआ है आप सबके लिए अगला जो साल आ रहा है ये आप सबके लिए अच्छा और खुशियों वाला साल रहे और बाय बाय।